जिनका जो चरित्र रहा हो, जिनका जो संस्कार रहा हो, वो हम लोग को आरोप तो न लगाए। आप ही के घर से जब आपके पिताजी और माताजी सरकार चलाती थी, उस समय आपके घर में अपराधी अपराध करके बैठते थे, वो लोग दिन भूला नहीं है। जो डॉक्टर्स की गाड़ियां गायब होती थी, वो गाड़ियां आपके घर से पाई जाती थी, तो वो दिन सब बिहार की जनता भूली नहीं है कि किस प्रकार से अपराधी अपराध करके आपके घर में संरक्षण पाते थे। लेकिन हमारी सरकार में स्पष्ट है कि अपराधी अगर गलती से किया भी अपराध, तो उसकी जगह केवल जेल होगी, कोई इसको बचा नहीं सकता है। मैं तो पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी से कि किसको आभार करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को, भाजपा को? नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। नितिन नवीन ने कहा कि उनका जैसा चरित्र रहा है, उसके बाद वो हम पर तो आरोप ना ही लगाएं। जब उनके पिता और माता जी सरकार चलाते थे, तो उन्हीं के घर में अपराधी अपराध करके बैठते थे। जो गाड़ियां गायब होती थी, वो उनके घर में पाई जाती थी। बिहार की जनता ये भूली नहीं है कि किस तरह से अपराधी अपराध करके उनके घर में संरक्षण पाते थे। लेकिन हमारी सरकार में स्पष्ट है कि किसी ने अगर गलती से भी अपराध किया है, तो उसकी जगह केवल जेल ही होगी। हम लोग के लिए बहुत दुखद क्षण है और पूरे माननीय हमारे नेता नीतीश जी लगातार उस विषय पर प्रशासन से भी बात किए हैं, हम लोग भी प्रशासन से बात, जो भी घटना घटी है उस पर जो भी कड़ी कार्रवाई तो होनी है। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि पटना में इस प्रकार का माहौल न बने, और जो भी अपने जिला प्रशासन के लोग हैं उन सबसे बात करके इस विषय को कड़ाई से नीचे लागू किया जाए, ताकि आम जन मानस में एक अमन चैन बना रहे। जिनका जो चरित्र रहा हो, जिनका जो संस्कार रहा हो, वो हम लोग को आरोप तो न लगाए। आप ही के घर से जब आपके पिताजी और माताजी सरकार चलाती थी, उस समय आपके घर में अपराधी अपराध करके बैठते थे, वो लोग दिन भूला नहीं है कि महिंद्रा शोरूम के गाड़ियां जब गायब की जाती थी और वो आपके परिवार के शादी के आयोजन में लगाई जाती थी। जो डॉक्टर्स की गाड़ियां गायब होती थी, वो गाड़ियां आपके घर से पाई जाती थी, तो वो दिन सब बिहार की जनता भूली नहीं है कि किस प्रकार से अपराधी अपराध करके आपके घर में संरक्षण पाते थे। लेकिन हमारी सरकार में स्पष्ट है कि अपराधी अगर गलती से किया भी अपराध, तो उसकी जगह केवल जेल होगी, कोई इसको बचा नहीं सकता है। यात्रा पर निकल रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी से कि किसको आभार करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को, भाजपा को, कि जो आपके पिताजी के समय में सड़कें गड्ढे वाली थी, आज वो सड़कें बनी रही मिलेंगी। आप जब जाएंगे, आप जिन अस्पतालों में जाएंगे, तो आपके पिताजी के समय में वहां पर जानवर अस्पताल में रहते थे, वहां पर आदमी नहीं पहुंच पाता था, आज उन अस्पतालों में रोगी और मरीज दवा लेते हुए पाए जाएंगे। तो इसके लिए तो आपको नीतीश कुमार और भाजपा का आभार व्यक्त करना चाहिए। आप जब जाएंगे, तो आपके समय में अपहरण उद्योग चलता था, आज हमारे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से कई युवा अपने खुद को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। तो उस सबके लिए आपको नीतीश कुमार जी और भाजपा का आभार व्यक्त करना चाहिए। और ये आभार यात्रा तो आपको कहीं ना कहीं भाजपा के, चूंकि आपने जिस जंगल राज में बिहार को रखा था, भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने आज उस जंगल राज से निकालकर बिहार को विकास के रास्ते पर लाया। क्या कारण जब राहुल गांधी इंडिया से बाहर जाते हैं तो भाजपा को गाली देते हैं, मोदी जी को गाली देने लगते हैं? अब राहुल गांधी जी का चरित्र हमको नहीं समझ में आता है। अरे, घर के अंदर जितना लड़ाई लड़ना है लड़ो ना, कम से कम देश के बाहर जाकर तो देश का गुणगान करो, देश के नीतियों का गुणगान करो। अरे, सीखना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखो कि नेता प्रतिपक्ष होकर यूएन में जो उन्होंने भाषण दिया, तो पूरा देश का सिर ऊपर उठ गया। आप एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष हो कि बाहर जाते हो देश के और देश को गाली देते हो। ये पहली बार नहीं है, ये उनके चरित्र है, इसी तो मैंने कहा उनका चरित्र। बहरहाल, बिहार में इन दिनों सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बिहार की एनडीए सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में अपराध को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते ये तेजी से फल फूल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को खुली छूट दे रहे हैं, जिससे आम जनता के साथ सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग भी अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।